एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है पल्लवी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हर नया अपडेट और हर नया वीडियो आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल टाइम पे। साथ ही में मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ थायरॉइड ग्लैंड के बारे में, प्रेगनेंसी में थायरॉइड से क्या खतरा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में। वैसे तो हमने बहुत बार सुना होता है थायराइड का इशू है, थायराइड की प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है और प्रेगनेंसी में ये कैसे असर करता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। थायराइड प्रेगनेंसी में क्या असर करता है इसके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि थायराइड होता क्या है, कैसे काम करता है। तो थायराइड जो होता है वो एक ग्लैंड होता है जो कि अपने नेक में होता है। आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे होता है वो ग्लैंड, और बहुत ही छोटा होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक को कहते हैं T3 और एक को कहते हैं T4। ये T3 और T4 का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। तो T3 T4 निकलते कैसे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं TSH हार्मोन। TSH हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। T3 और T4 हार्मोन्स का काम क्या होता है कि अपनी बॉडी की ग्रोथ, टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म रेट, हेयर, स्किन और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी चीज़ों को रेगुलेट करना, ये T3 और T4 का मेन फंक्शन होता है। जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और HCG, वैसे ही T3 और T4 का फंक्शन होता है। तो ये T3 T4 हार्मोन और TSH हार्मोन, ये दोनों एक तरह के बैलेंस में चलते हैं हमेशा। अगर उनमें थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे इश्यूज जो है वो हो जाते हैं, जैसे हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज बॉडी को फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये दोनों हार्मोन्स का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम कब होती है और कितने टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है थायराइड की? थायराइड की दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग वजह से होती है, अलग अलग इम्बैलेंस से होती है। तो इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आती है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो क्या करना चाहिए, कैसे होता है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो होता ऐसा है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन रिलीज होता है तो T3 और T4 दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। तो कभी कभी बॉडी में T3 और T4 हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। ऐसा जब होता है तो अपना थायराइड ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि अभी T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो अभी आप TSH हार्मोन जो है उसका रिलीज रोक दो या बंद कर दो। तो जब बॉडी में T3 और T4 हार्मोन का रिलीज ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा होती है, तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। वैसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये होता है कि TSH हार्मोन का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है और T3 और T4 हार्मोन का लेवल कम होता है। जब ऐसा होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपो का मतलब होता है कम होना, T3 और T4 हार्मोन का लेवल कम होना मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। तो क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है। आजकल हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली थायराइड की प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन्स बनाना कम कर देती है। तो वो क्यों बनाना बंद कर देती है हार्मोन्स को? तो हो सकता है कि आपको ऑटो इम्यून डिसीज हो, जिसमें कि आपका बॉडी जो है कुछ जहरीले पदार्थ बनाना शुरू कर देता है, जिसके चलते आपका थायराइड ग्लैंड जो है काम करना बंद कर देता है। साथ ही में एज के साथ आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो भी डैमेज होने लगता है, तो वहां से हार्मोन्स निकलना बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारी है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो बहुत कॉमन है। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका T3 और T4 कम मात्रा में बनता है, उसके मेडिसिन अलग होते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में बनता है तो उसके मेडिसिन अलग होते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम को लेके, तो आपको डॉक्टर थायराइड जो है किस टाइप का है पहले आपका ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है
क्योंकि ब्लड टेस्ट में दिखाई देता है, अगर TSH ज्यादा है तो ब्लड टेस्ट में दिखाई देता है, तो उस पर से पता चलता है कि आपको किस तरह का थायराइड का प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाता है। और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी एक गोली लेनी होती है जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और उससे आप कंट्रोल में रख सकते हैं आपके हाइपोथायरॉयडिज्म को। तो अब जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स जानते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको थकान सी लगती है, एनर्जी नहीं होती है काम करने के लिए, साथ ही में आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको एंजाइटी होती है, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होता है, आपकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, गीली गीली सी लगती है, आपको घबराहट होने लगती है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी का और थायरॉयड का क्या कनेक्शन है और कैसे थायरॉयड प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। प्रेगनेंसी के लिए दो हार्मोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो होता है एस्ट्रोजन और HCG। HCG मतलब ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो भी बैलेंस में काम करते हैं, और वो बैलेंस में काम करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो अच्छे से कैरी होती है, सक्सेसफुली चलती है। अगर आपके ये दोनों हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, प्रेगनेंसी अच्छे से कैरी नहीं हो रही है। तो एस्ट्रोजन और HCG ये जो दो प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं वो एक तरह से T3 और T4 की तरह ही काम करते हैं। T3 और T4 की तरह कैसे काम करते हैं? तो एस्ट्रोजन और HCG जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो वो T3 और T4 की तरह ही फंक्शन करने लगते हैं, जिससे होता ये है कि थायराइड ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है कि T3 और T4 ज़्यादा हो गया है, आप TSH का लेवल कम कर दो। तो TSH का लेवल कम हो जाता है तो प्रेगनेंसी में ये असर होता है थायराइड का, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन भी T3 T4 की तरह काम करने लगते हैं। ऑलरेडी T3 T4 रिलीज हो रहा था तो उसमें एडिशन हो जाता है तो वो ज़्यादा T3 T4 की मात्रा दिखाई देने लगती है, तो जिसकी वजह से TSH जो हार्मोन है उसका रिलीज कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। और ये जो TSH लेवल होता है वो कम जो होता है वो एज कम्पेयर टू अदर लेडीज प्रेगनेंट लेडीज में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी में तो आपको पता चलता है कि आपका TSH लेवल जो है वो बहुत लो हो गया है। नॉर्मली जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो आपका TSH हार्मोन का जो लेवल है वो 5 तक कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका TSH हार्मोन का जो लेवल है वो 2.5 से 3 के ऊपर जाने नहीं दिया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में जा सकता है, क्योंकि T3 T4 हार्मोन का रिलीज ज़्यादा हो रहा है और TSH का लेवल कम है तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका TSH का लेवल जो है एकदम से बढ़ा सकता है, शूट अप करेगा आपका TSH का लेवल, जो कि प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में TSH का लेवल जो होता है, TSH हार्मोन का लेवल 2.5 से 3 तक ही रखना ज़रूरी होता है, और इसीलिए आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है अगर आपका TSH का लेवल हाई हो गया है। और अगर आपका TSH का लेवल हाई हो जाता है तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं चल रही है, आपकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर जब डिटेक्ट कर दे कि आपका TSH लेवल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। तो ये जो TSH लेवल है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी सेम होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। हर 3 महीने में, प्रेगनेंसी के हर 3 महीने में आपको TSH लेवल चेक करवाना होता है और उसके लिए मेडिसिन लेनी होती है। TSH लेवल जो है कैसा होना चाहिए प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उसका चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो TSH का लेवल है प्रेगनेंसी में वो कितना होना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका TSH लेवल जो है 0.1 to 2.5 की रेंज में होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे महीने से लेके छठे महीने तक आपका जो TSH का लेवल होता है वो होना चाहिए 0.2 से 3.0 तक। और जो आपका 6th month है मतलब छठवां महीना से लेके 9वें महीने तक का आपका जो प्रेगनेंसी है उसमें आपका TSH का लेवल होना चाहिए 0.3 से लेके 3.0 तक। तो इतना ही लेवल रखना होता है प्रेगनेंसी में TSH का, इससे हाई नहीं होने देते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। तो प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो क्या होता है? जैसे कि हमने देखा हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। तो उसके वैसे ही अपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में प्रेगनेंसी में अगर होता है तो वहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 का हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाती है।
कभी कभी ऐसा भी होता है हाइपरथायरॉयडिज्म की केसेस में कि डिलीवरी के बाद कुछ वीमेंस का हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपका हॉर्मोन्स जो है वो फिर से चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप चली भी जाती है। लेकिन अगर नहीं जाती है तो उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है और उसके लिए मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पता चला है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको हर 3 महीने में जाके थायराइड का चेकअप कराना है। आपको मेडिसिन में चेंजेस अगर बोलते हैं डॉक्टर तो वो चेंजेस भी आपको कराने हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी है और आपको थायराइड है तो भी आपको हर 6 मंथ्स में जाके थायराइड का लेवल जो है हॉर्मोन्स का वो चेक कराना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो। क्योंकि अगर आपने चेकअप नहीं कराया रूटीन और वहाँ पे आपको पता नहीं चला कि आपका जो थायराइड प्रॉब्लम है, तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो प्रेगनेंसी में वो थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, आपकी बेबी को पास ऑन हो सकता है वही प्रॉब्लम। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना थायराइड चेकअप करवाएं, उसके मेडिकेशंस जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट रखें उसको, और उसको बीच में छोड़े नहीं। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेडिसिन ले लिया, अच्छा लग रहा है, मेडिसिन बिना डॉक्टर को पूछे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर से पूछे थायराइड का मेडिसिन बंद नहीं करें, वो आपके होने वाले बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म से प्रेगनेंसी में क्या असर होता है, प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असर होता है या आपके बच्चे पे क्या असर होता है? अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है और आप रेगुलर मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में आपका अबॉर्शन हो सकता है, आपका जो बेबी है वो स्टिल बर्थ मतलब पेट में ही मर जाता है वैसा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको प्री मैच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है थायराइड की वजह से। साथ ही में आपको प्रेगनेंसी में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है और आप दवाई नहीं ले रहे थायराइड के लिए कोई, तो आपको प्रीक्लेम्शिया जैसी कंडीशन हो सकती है। प्रीक्लेम्शिया मतलब बीपी का हाई हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी में, और साथ ही में वहाँ पे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो हमेशा आपको मेडिसिन लेना है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी बेबी पे जो असर होता है वो होता है मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, आपकी बेबी को बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी तरह का थायराइड हो आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी ही है। तो ये हो गया थायराइड के बारे में, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। होप आपको ये वीडियो से मदद मिलेगी समझने में कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कर सकते हैं हम। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि थायराइड में आपको क्या खाना चाहिए, थायराइड में अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या खाने से आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में रह सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।